फिर जब प्रभु के मालूम भई कि फरीसी सुनले बाड़न कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा चेला बनावताड़न और ऊ लोग के बपतिस्मा देताड़न, जबकि यीशु अपने ना पर उनकर चेला लोग बपतिस्मा देत रहलन, तब यीशु यहूदिया के छोड़ के फिर गलील में चल गईलन और उनकरा समरिया होके गईल जरूरी रहल। ऐसे उ सुखार नामक समरिया के एगो नगर तक अइलन जवन ओ जमीन के लगे बा जौना के याकूब अपना लड़का यूसुफ के देहले रहलन और याकूब के इनार भी उहवे रहल। ऐसे यीशु रास्ता के थकल और ओ इनार पर ऐसे ही बैठ गईलन। ई दोपहर के समय रहल। इतने में एगो सामरी मेहरारू पानी भरे खातिर आई। यीशु ओकरा से कहलन, हमरा के पानी पिया दो। काहे कि यीशु के चेला लोग नगर में खाना कीने खातिर गईल रहले। उस सामरी मेहरारू यीशु से कहली, ई का रउआ यहूदी होके भी हम सामरी मेहरारू से पानी काहे मांगतानी? काहे कि यहूदी सामरियन के साथे कौनो किस्म के व्यवहार ना रखत रहले। यीशु जवाब देलन, यदि तू परमेश्वर के वरदान के जंतु और इहो जंतु की उके हवन जे तोहरा से कह ताड़न कि हमरा के पानी पिया द, त तू ओकरा से मंगतू और उ तोहरा के जिंदगी के जल देतन। हे प्रभु, मेहरारू यीशु से कहली, रउआ लगे पानी भरे खातिर कुछ हो नहीं खे और इनार गहिर बा, तो जिंदगी के जल तोहरा लगे कहवा से आई? का रउआ हमनी के पुरखा याकूब से बड़का बानी जे हमनी खातिर ई इनार देलन और अपने लैका लैकी और अपना पशुअन साथे हमें से पियलन? यीशु उनकरा के जवाब देलन, जे केहू ए जल में से पीही उ फिर पियासल रही, पर जे केहू ओ जल में से पीही जौन हम ओकरा के देई त फेर उ कभो पियासल ना होखी। फेर जवन जल हम ओके देब उ ओमे एगो झरना बन जाई जौन हमेशा जिंदगी खातिर उमड़त रही। मेहरारू उनकरा से कहली, हे प्रभु, उ जल हमरा के दे दी ताकि हम प्यासी ना होई और ना जल भरे खातिर इतना दूर आई। यीशु उनकरा से कहलन, तू जा अपने मरद के यहाँ बुला लिया वा। मेहरारू जवाब दिली, हम बिना मरद के बानी। यीशु उनकरा से कहलन, तू ठीक कहताड़ो कि तू बिना मरद के बाड़ो, काहे कि तू पांच मरद कर चुकल बाड़ो और जेकरा लगे अभी तू बाड़ो उहो तोहार मरद ना हुआ, ई तू साँच कहलो। मेहरारू यीशु से कहली, हे प्रभु, हमरा मालूम होत बा कि रउआ नबी हई,